मित्रों, एक बार किसी समय में चरवाहों के एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे बिल में विषधर नामक एक लंबा काला सर्प रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता विषधर उसे डस लेता और वह व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सर्प के डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते कि वे सदैव पगडंडी पर चलें और भूल कर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई न कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहां पर बैठकर वे ईश्वर का ध्यान कर सके। तभी उनकी नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां विषधर सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों, यह खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है, खेत मालिक नाराज तो नहीं होगा? खेत मालिक तो कुछ नहीं कहेगा बाबा, एक लड़के ने कहा, मगर आप वहां मत जाना। वहां विषधर नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वह अत्यधिक क्रोधी है, यदि आप वहां गए तो वह डस लेगा। ओह, यह बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा, कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, यह बाबा अब बचेंगे नहीं, किसी लड़के का स्वर उभरा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुंचे ही थे कि विषधर नामक वह लंबा काला सर्प फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर कुंफकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विषधर का सिर झुक गया और वो वहां से चला गया। वह निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्प वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मुद गईं, उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्प से पूछा, तुम अभी यहीं हो? जी महाराज, सर्प ने जवाब दिया। तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है, सन्यासी ने विनम्रता से कहा। मैं खुद यही चाहता हूं महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूं, मुझे आदत सी पड़ गई है, विषधर बोला। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। ठीक है महाराज, फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं एक वर्ष पश्चात फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना, कहकर सन्यासी वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को तके जा रहे थे। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हां, अब वह एक अच्छा सर्प बन गया है, अब वह किसी को कुछ नहीं कहेगा, कहकर सन्यासी आगे बढ़ गए। मगर चरवाहे लड़के यह सुनकर जड़वत से रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ सन्यासी कह रहे हैं वह सब सच है। मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला सर्प नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ यह था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वह सर्प के इतना नजदीक था कि यदि सर्प चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था, मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को भी नहीं काटता था। सर्प भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास, फल, फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था। मगर वक्त को यह शांति मंजूर न थी। जैसे जैसे सर्प नम्र स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, विषधर को पत्थर मारे बिना ना रहते, मगर वह इस ओर विशेष ध्यान न देता।
कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता और वहां से खून बहने लगता। मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ ना कहता और ना कभी क्रोधित होता। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। यह जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो यह उसके सामने घुटने तक टिका देती है, लेकिन यदि इसके सामने कोई अच्छा और नर्म स्वभाव बनना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर उतारू करती है जिसे वह छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हठीले व दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते, और सन्यासी के मंत्र ने विषधर के मन को हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन संध्या के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नजर विषधर पर पड़ी। उन्होंने विषधर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। विषधर पिटता रहा मगर कुछ बोला नहीं। तभी एक लड़के ने यह सोचकर कि विषधर कुछ कहेगा तो है नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह देखकर खिलखिला पड़े, साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर को घुमाने के बाद लड़के ने विषधर की पूंछ छोड़ दी। विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट गए। इधर विषधर को कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी विषधर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। एक वर्ष पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे विषधर के बिल के पास पहुंचे और विषधर को आवाज लगाई, विषधर देखो मैं आया हूं। मगर यह क्या, सन्यासी के कई बार आवाज लगाने पर भी सर्प बाहर न आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जानना चाही, और यह देखते ही वे उदास हो गए कि विषधर अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। मनुष्य जो कुछ करता है उसे अवश्य यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य का है या पाप का। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को भी ज्ञान न हो, और फालतू में किसी को तंग भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों का परिणाम देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। एक राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानकार पर जाती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं, और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लाठी बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लाठी को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूं कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से खूब सारी चंदन की लाठियां बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे कुछ चंदन की लाठियां खरीद ली। लाठियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लाठियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनके कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लाठियां भेजी है। यह सुनते ही राजा खुश हो गए
और सोचने लगे कि बेवजह में उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लाठियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लाठियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक थैला लेकर जंगल में जाएं और थैले को फलों से भर दें। सभी मंत्री जंगल में चले गए। जाते ही पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठा करने का आदेश दिया है, इसीलिए उसे सबसे अच्छे फल थैले में इकट्ठा करने होंगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए वह थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा कि उसमें क्या एकत्र किया गया है, और इसीलिए उसने जो कुछ भी अपने हाथ में लिया वह एकत्र कर लिया। इस प्रकार उसका थैला अच्छे और खराब फलों के मिश्रण से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहरी रूप से देखेगा कि थैला कितना मोटा है, और इसीलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भर दिया। फल इकट्ठा करने के आदेश पर अमल करके तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में वापस आए। राजा ने बिना यह देखे कि उनके बैगों में क्या है आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और उन्हें केवल अपने संबंधित बैग ले जाने की अनुमति दी जाएगी जिसमें उन्होंने फल एकत्र किए हैं। पहला मंत्री अपने द्वारा एकत्र किए गए बहुत अच्छे फल खाकर जेल में 3 महीने बिता सकता था। दूसरा व्यक्ति थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सका, और बाद में उसने इकट्ठे किए हुए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर ली। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए वह जीवित नहीं रह सका। मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगतना होता है। हम अपने कर्मों के बाद अपनी ही प्रतिक्रिया भुगतेंगे। हम जो भी कर्म करेंगे हमको उसका फल भोगना ही होगा, अच्छा और बुरा। हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे फल मिलेगा। तभी महाभारत में कहा गया है कि यथा धेनु सहस्रेशु वत्सो गच्छति मात्रम यत्च कृतम कर्म कर्तारम अपि गच्छति। हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ गाय को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार हमारे पिछले कर्मों के परिणाम जब पूरी तरह पक जाएंगे तो हमें बिना असफलता के मिल जाएंगे। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। दोस्तों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाए, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है।
बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सोचिए, आपकी जेब में 100 रुपए हैं और कोई भूखा आपसे 5 रुपए रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे ना दें कि ये 5 रुपए तो आप अपनी बचत में शामिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। आपका कर्म खराब होगा और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के वो दो स्तंभ हैं जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान से हम अच्छे कर्म करने का अवसर पाते हैं। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो। आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और यह शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं होती, ये लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है।
साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत होने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने का लालच ना करें। अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की में संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी होता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना होगा। यदि बुरे कर्म कम है, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे मोटा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है, और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे मोटे पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। अगर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं होता, तो क्यों होता इतना भारी युद्ध? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। दान ही सबसे मोटा कर्म फल है। अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है, पर उत्तम नहीं है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं, वे बंधन नहीं उत्पन्न करते। वे मोक्ष रूप परमपद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा खुशी की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो बहस हो जाती है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा गया कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो, तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे वाहन का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, एक गांव में संत महाराज का प्रवचन चल रहा था। उसी समय प्रवचन देते समय सभा के एक कोने से आवाज आई। एक विधवा ब्राह्मणी अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए आई। संत महाराज के चरणों में बालक को रखकर बोली, महात्मा जी, मौत का दुख क्या होता है यह मुझसे पूछो। मेरा एकमात्र लाल मुझसे दूर चला गया। उस मृत बालक को गोद में लेकर संत महाराज बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी मां है। यदि मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूं तो? विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूं।
संत महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है तो मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाकर दो। वह विधवा दाने लेने के लिए तेजी से जाने लगी तो संत महाराज बोले, मां ये पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। महात्मा की बात सुनकर विधवा तेजी से गई, एक दरवाजे पर गई और भीख के लिए पुकार लगाई। गृहपति ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या चाहिए? केवल मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने। गृहपति सरसों के दाने लेने के लिए घर में घुसने लगा तो उन्हें रोककर विधवा बोली, श्रीमान दाने लाने से पहले यह बतलाइए कि कभी आपके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। गृहपति ने उत्तर दिया, मां क्या कहती हो, इस समय तो घर में पिता दादा सब मौजूद हैं, पर उनके पिता कहां हैं? ऐसा कौन सा घर है जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो? ब्राह्मणी की आंखें खुल गईं। वह संत महाराज के पास पहुंची और बोली, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं, मेरी आंखें खुल गई हैं, ये सब मेरे कर्मों का ही फल होगा। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं त्यागते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म मिले हुए होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना होगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे। सर्दियों का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौए बैठे थे। वे सब बार बार कांफ कांफ कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौए उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूं, मुझे आज रात यहां रहने दो। कौओं ने कहा, नहीं ये हमारा पेड़ है, तू यहां से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं, इस सर्दी में यदि वर्षा हुई ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूं, तुम्हारी बहन हूं, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहां बैठने दो। कौओं ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए, तू बहुत भगवान का नाम लेती है तो भगवान के भरोसे यहां से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौए तो झगड़ालू होते ही हैं, वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में लड़ाई किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और कांव कांव करके लड़ते हैं। कौन कौआ किस टहनी पर रात को बैठेगा यह कोई झटपट तय नहीं हो जाता। उनमें बार बार लड़ाई होती है, फिर किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे दे सकते थे। आपस की लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौओं को कांव कांव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। कौए कांव कांव करते चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से सबके सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौए मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोखला हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई, उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ, दो घड़ी बीतने पर चमकीली धूप निकली। मैना उसमें से निकली, पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और वह उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौए ने मैना को उड़ता देखकर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन तुम कहां रही, तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी,
और भगवान की प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा, लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। भगवान का साथ अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा होता है। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद की उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्रीमद् भागवत पुराण सबसे महान है। इसे सुनने से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मानव जब इस संसार में पैदा लेता है तो चार व्याधि उत्पन्न होते हैं, रोग, शोक, वृद्धापन और मौत। मानव इन्हीं चार व्याधियों से धीर कर इस माया रूपी संसार से विदा लेता है। मनुष्य सांसारिक बंधन में जितना बंधोगे उतना ही पाप के नजदीक पहुंचेगा। इसीलिए सांसारिक बंधन से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में जाओ, तभी जीवन रूपी नैया पार होगी। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव के बीच शिव मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के यहां रात दिन लोग आते जाते रहते थे। यह देखकर सन्यासी मन ही मन बड़बड़ाया करता था। एक दिन वह अपने को नहीं रोक सका और उस वेश्या को बुला भेजा। उसके आते ही फटकारते हुए कहा, तुझे लाज नहीं आती पापिन, दिन रात पाप करती रहती है, मरने पर तेरी क्या गति होगी। सन्यासी की बात सुनकर वेश्या को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती, भगवान शिव से प्रार्थना करती, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती। बेचारी कुछ जानती नहीं थी, बेबस उसे पेट के लिए वेश्यावृत्ति करनी पड़ती थी, किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहां कितने लोग आते हैं, एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए। जब कोई आता, एक पत्थर उठाकर रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया तो सन्यासी ने एक दिन फिर उस वेश्या को बुलाया और कहा, पापिन, देख तेरे पापों का ढेर, यमराज के यहां तेरी क्या गति होगी, अब तो पाप छोड़। पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वेश्या कांप गई और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म छोड़ दिया। कुछ जानती नहीं थी, ना किसी तरह से कमा सकती थी। कुछ दिनों में भूखी रहते हुए, कष्ट झेलते हुए वह मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मरा। यमदूत उस सन्यासी को लेने आए और वेश्या को विष्णु दूत। तब सन्यासी ने गुस्से में आकर कहा, तुम कैसे भूलते हो, जानते नहीं हो मुझे विष्णु दूत लेने आए हैं और इस पापिन को यमदूत। मैंने कितनी तपस्या की है, भजन किया है, जानते नहीं हो। यमदूत बोले, हम भूलते नहीं, सही है, वह वेश्या पापिन नहीं है, पापी तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप धो डाले। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है और तुमने सारा जीवन दूसरे के पापों का हिसाब लगाने की पाप वृत्ति में, पाप भावना में झपतप छोड़ दिए और पापों का अर्जन किया। भगवान के यहां मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है, बाहरी दिखावे या दूसरों को उपदेश देने से नहीं। परनिंदा, छिद्रान्वेषण, दूसरे के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि रखना अपने मन को मलिन बनाना ही तो है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य।
इसलिए हमेशा खुद का ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, एक बार एक जंगल में एक बूढ़ी माँ और उसकी पोती रहती थी। बूढ़ी माँ काफी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी माँ को बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी माँ ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म किए थे, यानी कि हम उस बूढ़ी माँ को एक पुण्यात्मा कह सकते हैं। दोस्तों, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होती है। इसी जंगल में चार लुटेरे लूटमार करने के लिए भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना और उनके सारे पैसे व गहने लूट लेना, यही इनका काम था। यह लुटेरे इतने निर्दय थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। एक दिन वो रोज की तरह लूटमार कर रहे थे। लूटमार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमाकार और बदलों की गर्जना के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वह चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको बूढ़ी माँ की कुटिया दिखी और वह उसकी कुटिया के पास पहुंच गए। चारों लुटेरों ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इस कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी को मारकर उसका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी माँ से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी एल माँ ने भी इन चारों लुटेरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक नजर में देखते ही बूढ़ी माँ ने उनको पहचान लिया। वह चार थे और ताकतवर भी, बूढ़ी माँ कमजोर थी, इसलिए बूढ़ी माँ ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माँ को यह भी डर था कि उसके विरोध करने पर कहीं वह चारों उसे और उसकी पोती को हानि ना पहुंचाए। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी माँ ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी माँ ने सबके लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माँ ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी माँ का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर सभी चारों लुटेरे ठहाके लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात थी कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए हमेशा पाप वाले काम किया करते थे। आखिरी में बूढ़ी माँ ने शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छू करके वापस कुटिया में वापस आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वह पुण्यवान होगा। पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श करके सही सलामत से कुटिया में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया और चौथा गया, और सभी सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी बूढ़ी माँ की और उसकी पोती की। बूढ़ी माँ के मन में डर आया कि वह चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम जरूर पापी है, बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी। लेकिन शर्त लगाई थी और पूरी तो करनी ही थी, इसलिए उसने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा। उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज गति के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ ही देर में उन चारों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से वो चार पापी सलामत थे, पर जैसे ही वो उनसे दूर हुई तो उनका सुरक्षा कवच जैसे चला गया। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छाई के काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी कि सत्संग करना चाहिए और भलाई के काम करने चाहिए। ग्रंथों में मनुष्य के कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वह जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़कर बताया गया। धर्म का मतलब पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से जोड़ा गया है। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु हि यात्य को भुनक्त्यख शुभाशुभम नरकेशु पतत्येक एको याति परांगतिम। अर्थात मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में अकेला ही फंसता है, पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है, वो खुद अकेला कई प्रकार के कष्ट भी झेलता है, यहां तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकते। वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है, मृत्यु के बाद वह अकेला ही परलोक सिद्धारता है।
उसके अपने परिजन मुक्तिधाम जाने से पहले ही छूट जाते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, परंतु उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं जो वह अकेला ही भोग रहा होता है। यहां आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब व्यक्ति को इस संसार में अकेले ही आना है और जाना भी अकेले ही है, या अगर वह कोई बुरे काम छिपकर करता है तो फिर उसके बुरे कर्मों के यानी पाप और पुण्य के साक्षी आखिर कौन माने जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार जिस तरह चंद्रमा दिन में और सूरज रात में नहीं दिखाई देता, परंतु दोनों में से कोई एक हर समय जरूर रहता है, वहीं जिस तरह अग्नि लगातार नहीं जलती है, ऐसे ही संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। यही कारण है कि जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके 14 साक्षी माने जाते हैं, जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के साथ मौजूद रहता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी कौन हैं, आइए जानते हैं। दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रियां। मित्रों, मेरा मानना है कि जो प्राणी अपने कार्य को सही ढंग से निभाने के बाद कोई परोपकार करता है वो ही पुण्य है, और जो अपना कार्य सही ढंग से भी नहीं करता तथा अन्य कार्य में भी किसी को पीड़ा पहुंचाता है, वो घोर पाप का अधिकारी है। कई बार इंसान अपने दिए हुए कार्य को बखूबी से निभाने को ही पुण्य मान लेता है, लेकिन वो उसकी ड्यूटी ही समझी जाती है, वह उसको ईमानदारी व फर्ज की संज्ञा मिल सकती है। जबकि इससे हटकर अगर कोई परोपकारी कार्य या किसी असहाय की मदद करता है वो पुण्य का भागीदार बनता है। अगर हम शास्त्रों या ग्रंथों को टटोलें तो उसमें भी अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही पाप पुण्य को दर्शाया गया है। कहने का भाव यही है कि कर्म ही प्रधान है, इसलिए पुण्य प्राप्त करने के लिए हर प्राणी को अपने कर्मों पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन कर्मों से मनुष्य नीचे गिरता है उसे पाप कहते हैं और जिन कर्मों से मनुष्य महान बनता है वो पुण्य कहलाते हैं। हालांकि पाप और पुण्य का तराजू ईश्वर के हाथों में है, क्योंकि कई बार हमारी सोच में आता है कि कई पापी हजारों जीवों की हत्या करके भी सुखमय व निरोग जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और कुछ पूरा जीवन समर्पित करके भी दुख भोग रहे होते हैं, तो ऐसा कई बार पूर्व जन्मों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कहने का भाव ये है कि मनुष्य जीवन में आकर हमें श्रेष्ठ कार्य ही करने चाहिए, कोई जैसा भी करे। सच भी है, जो कार्य जनकल्याण के लिए हो वो पुण्य कहलाता है, क्योंकि जनकल्याण के लिए आरोपियों को सजा भी जरूरी है, और जो कार्य खुदगर्जी व दूसरों को कष्ट में डालकर लाभ हेतु हो वो सबसे बड़ा पाप कहलाता है। अगर हम मंथन करें तो यह सच है, हमें मानव शरीर अच्छे कर्मों के लिए मिला है, लेकिन लालच में फंसकर हम सब भूल जाते हैं और आखिर पाप के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर प्राणी को अच्छे कर्म करने चाहिए। देखा जाए कर्म 3 प्रकार के आंके गए हैं। प्रारब्ध कर्म, जो हमें पिछले कर्मों के कारण हासिल हुए हैं, क्रियामाण कर्म जो हम कर रहे हैं, और संचित कर्म जो हमें संस्कारों से मिलते हैं। तो क्यों ना जो हमारे हाथ में है उन्हें सुधारने का समय दें तथा अपने आप को पुण्य का भागी बनाएं। अंत में यही कहूंगा कि कर्म ही महान माना गया है तथा अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा गया है। यह सब मानव के हाथों में है कि वह अपने आप को किस चीज का भागीदार बनाना चाहता है। सच कहां है? काम करो, नित्य ध्यान से मत करो हराम, कर्मशील बन जाओगे, जग में रहेगा नाम। लेकिन कई बार मनुष्य बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कार्य कर लेता है जिससे अपना धैर्य खो देता है, या चोरी चुगली से परहेज नहीं करता, या क्रोध से किसी प्राणी की हत्या तक कर देता है और सोचता है मेरे सभी पाप गंगा जाकर धुल जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें कर्मशील बनना है, कर्महीन नहीं। इसलिए अच्छे कर्म ही हमारे पुण्य के भागी हैं, अटूट सत्य है। पाप शरीर नहीं करता विचार करते हैं, गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहां जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहां जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास है और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहां पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई,
मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूं। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूं। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूं, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। तो मित्रों, इसलिए हमेशा पाप और पुण्य को ध्यान में रखकर कर्म करते रहना चाहिए। तभी मित्रों मान्यता है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही भगवान हमें फल देते हैं। यही वजह है कि कई बार हम चाहते हुए भी ऐसा काम कर देते हैं जिनका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। अपने जीवन में कितना भी कुछ क्यों कर लें, लेकिन उसको यह बात सोच लेना चाहिए कि जीवन का हिसाब किताब यहीं पर हो जाता है। इसलिए पाप करें तो सोचकर करना और पुण्य करो तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि पुण्य का लाभ आपको को कहीं कहीं जरूर मिलेगा। तभी कहा जाता है कि पाप करोगे तो उसका परिणाम आपको तुरंत मिल जाएगा और उसका एहसास भी आपको को उसी समय हो जाएगा जब आप उसकी सजा को भोगेंगे। लेकिन पुण्य करो तो दिल खोलकर करना, उसके लाभ की कामना भी मन में मत लाना। यदि उसके लाभ के बारे में सोचा तो तुम्हारा पुण्य बेकार चला जाएगा। हमेशा अच्छी तरह करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे और बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।